Hey, what's up guys, this is Suraj Jaiswal and welcome to the another episode of SJD Freak. So, इस चैनल पे मैंने बहुत ही सारे एपिसोड पोस्ट किए हैं जिसमें मैं आप लोगों को एक प्राइस सेगमेंट के अंदर कुछ यूजफुल गैजेट्स के बारे में बताता हूँ जो प्रोबेबली यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फेमस एपिसोड है, बट हमेशा कुछ अलग दिखाने की सोच में मैं आज आप लोगों को पांच ऐसे गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें से कुछ गैजेट्स बहुत ही ज़्यादा अलग, अजीब या वियर्ड है और उसके साथ साथ हमेशा की तरह यूजफुल भी, जिसे आप Amazon से 350 rupees के अंदर परचेस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट गैजेट इज फिक्सेट जेल पैड्स। अगर आप मेरे इस एपिसोड को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं कुछ एंटीक फोन स्टैंड्स को पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं और हर बार वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही मिनट्स में प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जॉब आप लोगों को गैजेट्स के बारे में बताना है कि ये गैजेट या ये चीज़ इतने रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसके बाद हाई डिमांड की वजह से सेलर प्राइस इंक्रीज कर देते हैं या स्टॉक्स खत्म हो जाती है, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। एंड आई होप कि आप समझ गए कि मैं आपको आप बोलना चाहता हूं, तो प्लीज सभी बातों को डिलीट करते हैं और आते हैं इस जेल पैड पर जिसकी प्राइस 215 rupees है। ये एक स्टिकी जेल है जो किसी भी चीज़ पे च्युइंगम की तरह चिपक जाता है, बट अलग करते समय उसके तरह डिटैच नहीं होता है दूसरे पार्टिकल से। इसे आप कहीं भी लाइक कार वॉल ग्लास या मेटल पे इस तरह से स्टिक करके अपने फ़ोन के लिए एक ट्रैवल चार्जर के जैसा एक ट्रैवल फोन होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे आप स्टिक एंड प्ले वाले क्राइटेरिया में काम कर पाएँ। बाकी सारे फ़ोन स्टैंड के कंसेप्ट से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट या वियर्ड कंसेप्ट पे बेस्ड है और इसे आप सिर्फ फ़ोन ही नहीं कुछ भी फिक्स कर सकते हैं, लाइक एक नॉर्मल ग्लास को एक माइटी मग में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसे आप कंप्यूटर टेबल पर रखे हुए कॉफ़ी या ड्रिंक वाले ग्लास को एक्सीडेंटली गिरा न दे और ज़्यादा यूज़ करने के बाद डस्ट पार्टिकल के वजह से अगर इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो आप इसे थोड़े से ही पानी से धोकर दोबारा ब्रांड न्यू बना सकते हैं, जिसके बाद वही इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी। और सेकंड गैजेट जो है वो कुछ अलग या अजीब तो नहीं है, बट एक नॉर्मल सी चीज़ ऐसी साइज में जो इस गैजेट को वियर्ड कहने में फोर्स कर रहा है। ये एक वैक्यूम क्लीनर है जो कोई भी यूएसबी पोर्ट से चलता है, तो इस चीज़ का मैकेनिज्म मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक डीसी मोटर के हेल्प से एक कंजेस्टेड चेंबर में सक्शन पावर क्रिएट किया जाता है जिससे ये वैक्यूम क्रिएट होता है, बट ऐसी चीज़ मार्केट में इस साइज में अवेलेबल है जो अगर वर्क कर जाए तो आपके बहुत सारे काम को आसान कर देगा। इसमें आपको यह टॉय जैसा दिखने वाला वैक्यूम क्लीनर मिलता है, उसके बाद एक ब्रश वाला सक्शन कैप। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा छोटा या कॉम्पैक्ट साइज का है जिसे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ऑन करता हूं और शायद आप इसके मोटर के साउंड को सुन सकते हैं। तो पहले मैं आशीर्वाद आटा पे चेक करता हूँ जो नॉर्मल साइज के डस्ट पार्टिकल की तरह होता है, जिसे मैंने 36 rupees पर केजी परचेस किया है और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसे परचेस। आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्राई में ये प्रॉपरली एक रेंज के पार्टिकल्स को आसानी से खींच ले रहा है और अब कुछ हेवी पार्टिकल्स पे चेक करते हैं, यहाँ भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अब इसकी रियल टेस्ट करते हैं जिसके लिए इसे बनाया गया है। मैं यहाँ एक धूल से भरे हुए कीबोर्ड पे इसे ब्रश वाले कैप के साथ यूज़ करके देखता हूँ कि ये डस्ट पार्टिकल्स को खींच पाता है या नहीं, जो नॉर्मली ब्रश से नहीं निकल पाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगह से ये इतना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल निकाल सकता है, तो एक नॉर्मल सरफेस लाइक कार या डेस्क जैसे चीज़ों पे ये किस तरह से काम करेगा। ओवरऑल इसे आप कार, कंप्यूटर एसेसरीज, कैमरा एसेसरीज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को या चीज़ों को क्लीन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड गैजेट एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग गैजेट के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल गैजेट है, जो है ब्लूटूथ कंट्रोलर, जिसकी प्राइस 299 rupees है। इसे आप एक ब्लूटूथ गेम कंट्रोलर के तरह यूज़ कर सकते हैं, माउस के तरह यूज़ कर सकते हैं, सेल्फी बटन के तरह यूज़ कर सकते हैं और वीआर बॉक्स कंट्रोलर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में सपोर्टेड है। इस बटन के हेल्प से आप ये जॉयस्टिक वाले बटन्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये प्रॉपरली वर्क करे गेमिंग के टाइम में तो प्राइस रेशियो के हिसाब से किस टाइप का वैल्यू क्रिएट करेगा ये गैजेट। इन चार बटन से आप वीआर मोड, म्यूजिक वीडियो मोड, सेल्फी मोड एंड गेमिंग मोड्स में टॉगल कर सकते हैं। तो यह मैंने इसे अपने डिवाइस से कनेक्ट कर दिया है और सबसे पहले सेल्फी मोड चेक करते हैं, ये तो वर्क कर रहा है। उसके बाद माउस मोड पर आते हैं, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अब आते हैं गेमिंग मोड पे और देखते हैं कि मेरी गेमिंग लेवल किस तरह की है, क्योंकि मैं गेम सिर्फ न्यू फोन्स के सेंसर चेक करने के लिए यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं ना के बराबर गेम खेलता हूँ या क्लास 6 के बाद मैंने गेम्स ही नहीं खेला।
आप देख सकते हैं ये एकदम एक्यूरेट वर्क कर रहा है एक गेमिंग कंसोल की तरह, जिसमें प्रेशर सेंसर बटन्स में हल्का सा प्रेस करने पे हल्का मूवमेंट और ज़्यादा प्रेस करने पे ज़्यादा मूवमेंट। अदरवाइज इस चीप प्राइस में नॉर्मल बटन्स होने चाहिए थे, जिसे हल्का सा प्रेस करिए ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा तो पूरा करेगा, वरना नहीं। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग गैजेट है, जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और चार अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये चीज़ उस पर्सन के लिए जो एक गेमिंग कंसोल से एंड्रॉयड पे गेम्स खेलना चाहते हैं बट एक गेमिंग कंसोल जितना स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। और नेक्स्ट गैजेट भी लास्ट गैजेट की तरह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल गैजेट है, जो हर किसी यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक 2200 mAh की फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है, जिसकी प्राइस 325 rupees है। कंपनी का नाम लैब केयर है और बॉक्स के अंदर एक ब्राइट ऑरेंज कलर का पावर बैंक और एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। पावर बैंक काफ़ी स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज का, जिसे आप पॉकेट में भी रख सकते हैं और अगर पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो अपने बैग के चेन से इसे इस चीज़ के हेल्प से कीरिंग की तरह लगाकर लोकल ट्रेंस में ट्रैवल कर सकते हैं। सामने की तरफ एक इनबिल्ट माइक्रो USB केबल दिया गया है, इनकेस आप अपने केबल्स लेना भूल गए या कैरी करना नहीं चाहते हैं। और एक कॉर्नर में USB ए पोर्ट है, जहां से आप एक्सटर्नल केबल इंसर्ट कर सकते हैं, और एक माइक्रो USB इनपुट सिस्टम जहां से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, और दूसरे साइड एक कूल टेक्स्ट में पावर बैंक लिखा हुआ है। तो अब इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि ये सच में एक फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है या नहीं। अभी मैंने इस डिवाइस को 921 पे 47% पे चार्ज में लगाया है और अभी 923 पे ये 50% चार्ज हो चुका है, मतलब 2 मिनट में 3%, तो 20 मिनट में 30% और 60 मिनट में 90%। तो 90% तो चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल सभी मोबाइल्स में 3000 mAh या उससे ज़्यादा mAh की बैटरीज इंप्लीमेंट की जा रही है और ये पावर बैंक सिर्फ 2200 mAh का है। बट फिर भी आप इससे लगभग 50% चार्ज 30 मिनट में कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा बैकअप है अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, जहां आपको 2 घंटे से ज़्यादा की स्क्रीन ऑन टाइम चाहिए। और इसके साइज और इसके प्राइस के हिसाब से आपको इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं इस गैजेट कंपाइलेशन का सबसे लास्ट या सबसे वियर्डेस्ट गैजेट पर, जो है 5 सेकंड फिक्स। ये एक गम एडिसिव फेविकोल का कजन ही समझ लीजिए आप इसे, जो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से फिक्स मतलब जोड़ सकती है। तो अभी आप सोच रहे हो कि मैं 299 rupees क्यों स्पेंड करूं जब मेरा काम इतने में हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको वियर्डेस्ट गैजेट के बारे बता रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ खास तो जरूर होना चाहिए। इस पेन जैसे स्टिक में एक तरफ सॉल्यूशन दिया गया है और दूसरे तरफ यूवी लाइट, जिसे आपको टूटी हुई चीज़ पे सॉल्यूशन या पेस्ट लगाने के बाद उसे यूवी लाइट से सॉलिड करना होगा। ये प्रोसेस नॉर्मली डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ फिलिंग के समय, जहां परमानेंट पेस्ट को कैविटी वाले टीथ में फिल करके यूवी लाइट पेन से उसे इतना हार्ड कर दिया जाता है जैसे रियल टीथ एंड पेस्ट में कोई डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई किया गया, बट यहाँ पेस्ट अलग है, जो एक स्ट्रेचेबल एडिसिव है जो एक मेटल पे प्लास्टिक को भी फिक्स कर सकती है। और शुरुआत में मैंने इसे अपने फिंगर पर लगाकर यूवी लाइट से चेक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस जगह की स्किन पूरी तरह से उतर चुकी। तो आप इसे फेविक्विक से भी ज़्यादा सिक्योरली यूज़ करें। आप देख सकते हैं वाकई में ये वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। यूवी लाइट को सिर्फ 5 to 7 सेकंड तक उस जगह पर कांस्टेंट रखना है, उसके बाद आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक टेक्निक पे बेस्ड है ये गैजेट, इसलिए मैंने इस गैजेट कंपाइलेशन में इसे ऐड किया। अदरवाइज ये सब चीज़ कुछ न्यू ट्राई करने के चक्कर में या एंटरटेनमेंट तक ठीक है। सो दैट्स बीन इट गाइस फॉर टुडे। आई होप ये गैजेट्स आपको वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। एंड अगर आप ऐसे और वियर्ड या अजीब गैजेट्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे पास ऐसे एंटीक गैजेट्स के बहुत ही बड़ी लिस्ट है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ ऐसे ही और कूल वीडियोज़ के लिए। दिस इज मी सूरज फ्रॉम SJD फ्रीक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।